खत्म हुआ धर्म जाति का भेदभाव। दुनिया ने देखी सनातन धर्म की उदारता। मुस्लिम महिलाओं से लेकर दलित महिलाओं और किन्नरों ने यज्ञ में डाली आहुति। अब दुनिया को मिलेगी इस्लामिक जिहाद से मुक्ति। चीन की विस्तारवादी नीतियों पर लगेगा फुल स्टॉप। पातालपुरी मठ के महायज्ञ से विश्व में फैलेगी शांति। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पातालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद ने उस मिथक को तोड़ दिया है जिसमें कहा जाता था कि केवल हिंदू पुरुष ही मठ में जा सकते हैं या फिर यज्ञ में यजमान बन सकते हैं। पातालपुरी मठ की ओर से 11 दिवसीय हनुमान चालीसा हवनात्मक यज्ञ का आयोजन हुआ ताकि दुनिया को हिंदू सनातन की उदारता से रूबरू कराया जा सके, या फिर यूं कहें कि तमाम धर्म जाति की बेड़ियों को तोड़ते हुए मठ ने एक ऐसे विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें मुस्लिम महिलाओं से लेकर दलित महिलाओं और किन्नरों ने यज्ञ में आहुति डाली। दुनिया को इस बात से अवगत कराने की कोशिश की गई कि भगवान का घर सबके लिए खुला है और प्रभु राम सबके हैं। पहले तो 500 वर्ष पुराने पातालपुरी मठ में 11 दिनों तक रोजाना 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और फिर उसके बाद जब विश्व शांति यज्ञ का आयोजन हुआ तब क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या दलित और क्या किन्नर, हर किसी ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर यज्ञ में आहुति डाली। मेरा पूरा समाज समझ रहे थे, किन्नर समाज है सब समझे और भी जो बिरादरी के लोग हैं वो भी शामिल हो गए थे और बहुत अच्छा लगा है एकता देख करके। और ये जो शांति के लिए आयोजन हुआ है इसको भी देख करके बहुत अच्छा लगा, हम सबके बहुत सकून मिला, संतुष्टि हुआ है। और ये आज सारी बिरादरी की एकता देख करके बहुत खुशी हुआ, ये होनी चाहिए, किसी धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, आज एकता हुआ है। मुस्लिम महिलाओं की सर्वोच्च नेता नाज़नीन अंसारी ने बताया कि इस विश्व शांति महायज्ञ के पीछे की सबसे बड़ी वजह दुनिया को इस्लामिक जिहादियों से मुक्त दिलाना और चीन के कब्जे से भारतीय क्षेत्रों को छुड़ाना है। इस यज्ञ में सभी धर्म जातियों समुदाय के लोगों ने भाग लिया और इस यज्ञ का हमारा उद्देश्य था कि जो हमारे पूरी दुनिया में इस्लामिक जिहाद से लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया त्रस्त है और इस्लाम के नाम पर जो लोग तबाही मचा रहे हैं उस इस्लामी जिहादियों से पूरी दुनिया को मुक्ति मिले और चीन और तमाम ऐसे जो जगह है हमारे लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको मुक्त कराया जाए, जो हमारे शक्तिपीठ है उसको उनको मुक्त कराया जाए। इन सारी मुक्ति की कामनाओं के साथ और भारत की एकता अखंडता विश्व बंधुत्व की कामना के साथ हम लोगों ने इस यज्ञ का भावनात्मक यज्ञ का भाग लिया। वैसे धर्म जाति को भूलकर हर किसी को यज्ञ में भाग लेने का अवसर देकर पातालपुरी मठ ने इतिहास तो रचा ही, साथ ही साथ सनातन धर्म की मूल उदारता और सहिष्णुता छवि भी प्रस्तुत की। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने धर्म की तमाम दीवारें तोड़ने वाले इस यज्ञ के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। हिंदुस्तान में जब भी धर्म सुधार का इतिहास लिखा जाएगा तो आज का दिन जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि आज धर्म जाति मजहब लैंगिक भेदभाव खत्म कर दिया गया और आज पातालपुरी मठ ने सनातन धर्म की उदारता को प्रस्तुत किया है कि सनातन धर्म किस तरह से सबको गले लगाता है, उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने गिद्ध से लेके बानर जाति के रीछ से लेके सबरी तक सबको गले से लगाया, उसी तरह से रामानंदी संप्रदाय का यह प्रसिद्ध मठ आज पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया को ये बता दिया कि धर्म उदारता से चलता है, धर्म कट्टरता से नहीं चलता है। आज सर्व समाज के लोगों ने इस्लामिक जिहाद से पूरे दुनिया को मुक्त कराने के लिए, चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए आज यज्ञ किया है। आज का यज्ञ राष्ट्र का यज्ञ है, आज का यज्ञ सनातन धर्म के प्रचार का यज्ञ है, आज का यज्ञ सनातन धर्म की उदारता को दिखाने का यज्ञ है और आज का यज्ञ भाईचारे सद्भावना प्रेम सहिष्णुता का यज्ञ है। और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि सनातन धर्म में न रंग के नाम पर भेद है, न जाति के नाम पर भेद है, न महिला पुरुष के नाम पर भेद है, न लैंगिक भेद है, यहाँ तक कि किन्नर समुदाय के लोगों को पहली बार सनातन धर्म के इस महायज्ञ में मौका मिला है, आज दुनिया का इतिहास बदल गया। तो यज्ञ अनुष्ठान के बाद सभी ने मिलकर हनुमान जी की आरती की, दंडवत प्रणाम किया और यज्ञ में शामिल प्रत्येक सदस्य ने हनुमान जी से बस यही प्रार्थना की कि विश्व के सभी देश अब शांति की ओर अग्रसर हो। ये श्री हनुमान लाल जी महाराज का हनुमान चालीसा 108 बार रोज हनुमान पाठ हुआ है जिसमें आज जो है सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो किन्नर समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ईसाई हो, सारे लोगों को इसमें स्वागत किया गया है।
क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि यह सनातन धर्म बदले की बात करता है, सारे विश्व को हम मानते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, हमने सबको शुद्धिकरण करके अपने धर्म में अपनाने का कार्य किया। शाम तक सुबह का भटका शाम तक व्यक्ति आ जाता है, उसको भटका नहीं कहा जाता। उसी दृष्टि से अगर कोई घर वापसी होना चाहता है, अपने परिवारों को ना आना चाहता है, हम स्वागत करते हैं। बदलती मठ सबके लिए स्वागत है, आए हम हाथ साथ में बैठे हैं, उनका सा सम्मान है और अपने सनातन धर्म को अपनाएं, अपने भगवान रामभद्र जी को करुणा निधान उनकी सेवा आराधना करें। Come on in.